हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लाइव सिटीज न सिर्फ ताजा तरीन खबरें आप तक पहुंचाता है बल्कि जीवन के लिए कई उपयोगी जानकारियों से भी आपको रूबरू कराता है। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप इसे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बेहिचक शेयर कर सकते हैं। अपमानित हो रहे हैं पर मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, सच बयान करें नीतीश कुमार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुजरात में जदयू के लिए प्रचार चुनाव से जैसे ही किनाया किया, उन पर विरोधियों का हमला तेज हो गया है। नीतीश कुमार पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जोरदार तंज कसा है। बता दें कि कल शनिवार को यह जानकारी सामने आई कि जदयू के 20 स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जा रहे हैं, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने इससे खुद को अलग कर लिया है। इस पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से सच बयान करने की अपील की है। उन्होंने पूछा है, आखिर क्या वजह है कि बार बार अपमानित हो रहे हैं लेकिन मुंह नहीं खोल पा रहे हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। तेजस्वी लिखते हैं, नीतीश जी को जनता के सामने सच बयान करना चाहिए कि आखिर जिस राज्य में गुजरात उनकी पार्टी के 50 से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, वहां वह चुनाव प्रचार के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? उन्हें गुजरात में प्रचार करने से किसने रोका है? तेजस्वी आगे लिखते हैं, 2009 के लोकसभा और 2010 में बिहार विधानसभा में नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार में किसने रुकवाया था? अब लगता है नरेंद्र मोदी उसका बदला ले रहे हैं। नीतीश जी ने जिस अंदाज में मोदी जी को अपमानित किया था, उनके नाम पर गठबंधन तोड़ा था, अब उसी अंदाज में वह नीतीश जी से बदला ले रहे हैं। नीतीश जी अब उनके सामने इतने बेबस हैं कि एक शब्द बोलने की स्थिति में नहीं है। नीतीश जी अहंकारवश कहते थे कि वह किसी के भरोसे राजनीति नहीं करते, लेकिन आखिर क्या वजह है कि भाजपा द्वारा बार बार दिखाने के बावजूद वह चुप्पी साधे बैठे हैं? आखिर क्या मजबूरी है कि भाजपा बार बार उन्हें अपमानित कर रही है फिर भी वह मुंह नहीं खोल पा रहे हैं? लाइव सिटीज की रिपोर्ट। बिहार से जुड़े हर बड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव सिटीज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।